जब आप जीवन में सफलता की बात करते हैं, चाहे वो जिम में हो, रसोई में या घर में हो, जहां कहीं भी हम सफल होना चाहते हैं, हमारी शारीरिक क्षमता इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अपनी शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ बनाए रखने में हमारे शरीर में उपस्थित हॉर्मोन्स एक प्रमुख कारक के रूप में काम करते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ तथ्य। इससे पहले भी हमने अश्वगंधा की मदद से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को उन्नत रखने हेतु एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। विस्तार में जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कसरत के पश्चात वेजिस का सेवन करना पसंद नहीं करते, परंतु हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सोच सही नहीं है। यूं कहें तो यह एक मिथ है। हम अपने ज्यादातर फिटनेस संबंधी क्लाइंट्स को कसरत के बाद ब्रोकोली का सेवन करने का सुझाव देते हैं। कारण यह है कि ब्रोकोली में इंडोल 3 अथवा IC3 कार्बिनॉल नामक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो आपके शरीर में स्थित टॉक्सिन्स को दूर करता है। एक्सरसाइज के बाद स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन का स्तर पहले से बढ़ चुका होता है, और ऐसे समय में हम एस्ट्रोजन के स्तर को कम रखना चाहते हैं, जिसमें इंडोल 3 नामक न्यूट्रिएंट्स काफी सुगमता से काम करता है। पुरुष हो या महिला, दोनों में एक्सरसाइज के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ चुका होता है, इसलिए कसरत के बाद एस्ट्रोजन के स्तर को कम करने से हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सुगमता से अब्सॉर्ब हो जाता है, और आप पूरे समय अधिक एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं। यह न केवल आपके शरीर को बेहतरीन आकार प्रदान करता है, बल्कि आपकी मानसिक अवस्था को भी सुदृढ़ बनाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य बहुत ही सरल है कि आप कसरत के पश्चात निर्भीक रूप से वेजिस का सेवन कर सकते हैं। यह आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।